Namaste, welcome back to my another video with Beperfectwithnisha. Hi, I am Nisha. तो आज भी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होम रेडीमेड फेस पैक कैसे बनाते हैं और इसके लिए कोई आपसे बाहर की चीज़ें आपको नहीं लानी पड़ेंगे. इन शॉर्ट कि आपको घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उससे आपको काम चल जाएगा. एंड उसी से मैं अभी एक फेस पैक बताने वाली हूँ और आपको फेस पैक अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है. देन आफ्टर उसके रिजल्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे. सो विदाउट एनी लेट लेट गेट स्टार्टेड. और उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए. या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा. सो हाय अगेन. तो सबसे पहले आपको एक बड़ा चम्मच आपको बेसन लेना है और उस बेसन के अंदर आपको छोटे आधे चम्मच जितना आपको हल्दी लेना है. हल्दी लेकर उसको अच्छे से मिक्स आउट करना है. आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद अच्छे से आपको मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद आपको उसमें रोज़ वाटर डालना है. जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ जो रोज़ वाटर, आपको इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना है. अगर रोज़ वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर से भी इसको आप पेस्ट बना सकते हो. नाउ थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर लिया एंड इसको मैं मिक्स कर रही हूँ. देन आफ्टर रोज़ वाटर के बाद आपको थोड़ा सा पानी भी अप्लाई करना है. पानी भी आपको डालने के बाद इसको अच्छे से कंसिस्टेंसी में अच्छे से पेस्ट बनाएं, जिसको आपको फेस पैक लगाने में इजीली आपको इजी रहे. इतना आपको थिक पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम बहुत थिक पेस्ट भी नहीं बनाना है, नहीं एकदम वाटर जैसा पेस्ट भी नहीं, एकदम मीडियम में पेस्ट बनाए विदाउट एनी लम्स. आपको अच्छे से इसको मिक्स आउट करना है. पेस्ट एकदम अच्छा होना चाहिए आपके फेस पैक के लिए. देन आपका फेस पैक अच्छे से मिक्स होने के बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, एकदम अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है. मिक्स होने के बाद आपको इसको अपने फेस पैक पे फेस पे अच्छे से लगा लेना है. नाउ मैं अभी फेस पे लगा रही हूँ, लगा के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लगाना है. एज अ ब्रश से भी आप लगा सकते हो और हाथ से भी आप लगा सकते हो. तो मैं यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ. जो आप देख सकते हो पूरे फेस में अच्छे से आपको लगाना है. और इसे लगाने से आपको क्या होगा कि आपको जो हल्दी है वो हल्दी से आपकी स्किन ग्लो होगी, जिसमें आपने रोज़ वाटर डाला है. रोज़ वाटर से आपके स्किन में मीन्स बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आएगा, मीन्स एकदम एक ब्राइट ग्लो जैसा आएगा. और अपन रोज़ वाटर हैज़ अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो स्प्रे बॉटल में डाल के. देन जो बेसन है आपके स्किन को स्मूथ रखने में और स्किन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है. तो ये तीन चीज़ें मिलकर आपके स्किन और फेस पैक के लिए बहुत ही अच्छा है. जो आप लगाओगे अगर कहीं जाना है, इमिडिएटली कहीं जाना है बाहर, तो आप इसे अच्छी तरह अपने फेस पैक के फेस पैक हैज़ अ स्पेस फेस पैक लगा कर आप अच्छे से फिर 5 मिनट आप रख कर, खाली आपको 5 मिनट्स रखना है, फिर आपको नॉर्मली एक अच्छे फेस वॉश से या वॉश कर लेना है अच्छे से. तो देन आफ्टर इसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हो कि इसके बाद आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा. और अगर आप ट्राई करके प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगा. तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है फेस पैक. अगर ये आपका और पेस्ट अगर बच जाता है तो आप इसे हाथों या पैरों पे भी लगा सकते हैं. इसे बहुत अच्छा आपको ग्लो दिखेगा स्किन में. तो ये आपको हफ्ते में एक बार ट्राई करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट. आपको ट्राई करना है हफ्ते में एक बार. रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, ट्राई करके देखो. एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड आप आगे अभी रिज़ल्ट देख सकते हो.